हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे साइडरोसिस बल्बाई की। साइडरोसिस बल्बाई बेसिकली किसके कारण से होता है? बेसिकली आयरन के कुछ फ्रैगमेंट्स या चिप्स जो है, जो कि मोस्ट कॉमन आई गेस इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी है, अगर उस वो आँख का जैसे लोहे का छल्ला कोई आँख में चला जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा, जो उसकी जो मैनिफेस्टेशन आएंगी उन्हीं को साइडरोसिस बल्बाई कहते हैं, राइट। अगर कोई भी लोहे का छल्ला आपकी आंख में चला गया तो क्या होगा? साइडरोसिस बल्बाई, राइट। तो डीजनरेटिव चेंजेस प्रोड्यूस बाय आयरन फॉरेन बॉडी, ये कुछ डीजनरेटिव चेंजेस हैं आयरन फॉरेन बॉडी के कारण से जो होती हैं। डीजनरेटिव चेंजेस है बेसिकली यूजली अकर्स 2 months to 2 years ऑफ द इंजरी। ये पहले पहल तो नहीं पता चलेगा, ये 2 months से 2 साल के अंदर मैनिफेस्ट होगा, ठीक है ना। तो मान लो आपको 2 महीने पहले कोई इंजरी हुई तो अब ये जाके मैनिफेस्ट, या 2 साल पहले कोई इंजरी हुई तो तब ये जाके मैनिफेस्ट करेगा। तो ये दो महीने से दो साल का इसका रेंज है। मैकेनिज्म क्या हो सकता है? आयरन पार्टिकल कैन अंडरगो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन बाय द करंट ऑफ रेस्ट एंड इट्स आयंस आर डिसमिनेटेड थ्रू आउट द आई, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है कि जो है ये स्प्रेड कर सकता है, मतलब कि आयरन पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में जा सकता है बाय द करंट, ठीक है ना। और इसके जो आयन्स होते हैं ये डिसमिनेट कर सकते हैं थ्रू आउट द आई में, ठीक है ना। ये थ्रू आउट द आई में मतलब कि पहले तो आयरन पार्टिकल जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कराएगा ड्यू टू करंट, और इसके आयन जो है पूरे उसमें जा सकते हैं, आई में जा सकते हैं, डिसमिनेट कर सकते हैं। दीज आयरन कम्बाइंड विद इंट्रासेलुलर प्रोटीन एंड प्रोड्यूस डीजनरेटिव चेंजेस। ये आयरन आयन्स जो होते हैं कम्बाइंड कर जाते हैं इंट्रासेलुलर प्रोटीन से और डीजनरेटिव चेंजेस कराते हैं। एपिथीलियल स्ट्रक्चर होता है यार मोस्टली इफेक्टेड, यहाँ पे एपिथीलियल स्ट्रक्चर जो होते हैं आई की वो ज़्यादातर वही इफेक्टेड होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? एंटीरियर एपिथीलियम एंड कैप्सूल ऑफ लेंस इन्वॉल्व फर्स्ट। तो यहाँ पे एंटीरियर एपिथीलियम और कैप्सूल ऑफ लेंस जो होते हैं वो ज़्यादा पहले वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। रस्टी डिपॉजिट्स आर अरेंज्ड रेडियली इन अ रिंग, तो लैटरल कैटरेक्ट डेवलप्स। तो बेसिकली एंटीरियर कैप्सूल पे आप लोग क्या देखोगे? रस्टी डिपॉजिट्स देखोगे, साफ सीधी एक बात खत्म, ठीक है ना। रेडियली अरेंज्ड इन अ रिंग होता है और आयरिस फर्स्ट इन ग्रीनिश, आयरिस फर्स्ट जो होगा वो ग्रीनिश का अपीयरेंस दिखाएगा, लेटर ऑन रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। पहले तो आयरिस ग्रीनिश अपीयरेंस दिखाएगा, लेटर हुई है रेडिश ब्राउन में चला जाएगा। रेटिनल पिगमेंट्री चेंज कैन रिसम्बल रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जो रेटिनल पिगमेंट्री चेंज यहाँ पे होती है वो रिसम्बल कर सकती है। तो इसका डीडी कैसा हो सकता है? डीडी होगा इसका डीडी क्या होगा? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनल पिगमेंट्री चेंजेस जो होती हैं यहाँ की वो रिसम्बल कर सकती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बेसिकली, ठीक है ना। तो ERG shows progressive attenuation of B wave over time, जो ERG होती है ERG इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी आई गेस प्रोग्रेसिव attenuation ऑफ ये बी वेव कराती है ओवर टाइम, ठीक है ना। attenuation होगा बी वेव का वहाँ पे, ठीक है ना। और जैसे ABC वेव पढ़ा था, ठीक है ना, तो उसमें बी वेव का attenuation हो जाएगा, ठीक। सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लोकोमा ड्यू टू डीजनरेटिव चेंज इन टेम्पोरल मेशवर्क, ठीक है। तो एक सेकेंडरी एंगल क्लोजर कोमा हो जाएगा क्योंकि डीजेनरेटिव चेंजेस हो जा रहे हैं कहाँ पे? ट्रिबिकुलर मेशवर्क पे, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मैं इसका शॉर्ट में थॉट्स बता दे रहा हूँ। डीजेनरेटिव चेंजेस होता है ड्यू टू आयरन पार्टिकल, ठीक है ना। यूजली जो होता है 2 months से 2 साल के बीच में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि आयरन जो है पार्टिकल जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन करता है बाय द करंट और डिसमिनेट कर जाता है पूरी आँख में, ठीक। और ये कंबाइन करता है इंट्रासेलुलर प्रोटीन और उसका उसके बाद क्या करेगा? डीजेनरेटिव चेंजेस कर देगा। तो एपिथेलियल स्ट्रक्चर जो है वो आई के इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एंटीरियर एपिथेलियम में कैप्सूल ऑफ द आई आर इन्वॉल्व फर्स्ट, वो ऑब्वियसली पहले इन्वॉल्व होगा। तो रस्टी डिपोजिशन इन द रेडियल पैटर्न कैन बी सीन ओवर द लकी आईज पे, लैटर कैटरेक्ट उसको कह सकते हो। आयरिस फर्स्ट इन ग्रीनिश, वो बाद में रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। रेटिनल पिगमेंट्री चेंजेस जो है आपके ये रिसेम्बल करेंगे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा को, और आपका जो ये ERG पे आपका बी वेव का एटेन्यूएशन दिखेगा। और सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो सकता है ड्यू टू ट्रेमिकुलर मेशवर्क का डीजनरेटिव चेंजेस के कारण से, ठीक है ना। तो आई गेस आपको ये थोड़ा बहुत चमका होगा साइडरोसिस बल्बाई, और इतना ही इंपॉर्टेंट इतना ही जानना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।